इसलिए हम खींचे थे। वीडियो लेना जी, मैं वीडियो लेना। आज हमारे साथ मौजूद हैं उबैदुल्लाह बेग साहब, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस किस तरह का सफ़र रहा उनका। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। संजय बताइए कि किस तरह का सफ़र रहा आपका, सारी दुनिया में आप जा रहे हैं और यूनानी मेडिसिन को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह का सफ़र? ये असल में देखिए, अब पिछले तकरीबन एक हफ्ते से तकरीबन कंटिन्यूस लेक्चर्स और वर्कशॉप में जो है बुला के चुका हूँ। परसों में ये देवबंद में था, उससे पहले तिबिया कॉलेज में था, उससे पहले सहारनपुर में, दिल्ली में, अब यहाँ पर, फिर इसके बाद फिर अगला दिल्ली में है, उसके बाद फिर अलीगढ़ में है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे उसके ताल्लुक से ये हमारा मिशन एक ही है कि जो यूनानी के डॉक्टर्स ग्रेजुएट्स हैं उनको फिर वापस हमारे यूनानी पति पर लेकर आया जाए। ये पहला मेरी कोशिश है। तकरीबन 18-19 सालों से मैं यही कोशिश करते आ रहा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये देख रहा हूँ बच्चों के अंदर ये ज़ौक़ और शौक़। और अब ये वक्त आ चुका है कि हम यह यूनानी पर जो है ही प्रैक्टिस करेंगे। और जितनी पतियाँ अब जो आगे बच्चों को जो है ज़्यादा दिख रही है, मतलब उनको जो है उसमें ज़ौक़ और शौक़ है, वो हम जो है उसको जो है फिर कन्वर्ट हमारे यूनानी में कर रहे हैं। और यूनानी आगे तकरीबन इंशाल्लाह अभी चंद सालों के अंदर पूरी दुनिया पर गालिब रहे। किन देश में आपका सफ़र हुआ? मेरा तकरीबन जो है तकरीबन 18-19 कंट्री को मैं जाता हूँ। मैं जो है वहाँ पर लेक्चर्स भी होते हैं मेरे वर्कशॉप भी होते हैं और साथ में जो है मेरे पेशेंट्स भी हैं, मैं देखता हूँ वहाँ पर। लंदन में है मेरा, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, बैंकॉक में है, दोहा सफ़र, खतर में है, दोहा में है, उसके बाद सऊदी अरेबिया में है, जद्दा में है, रियाद में, सब जगह मेरा कंसल्टेशन है। और मैं ये लेक्चर्स इंडोनेशिया में, परसों इंडोनेशिया में था, उससे पहले मैं मलेशिया में था। तो यहाँ पर भी यूनानी के ताल्लुक से बहुत सा हम जो है अवेयरनेस लेके आ रहे हैं और वहाँ भी जो है हम प्रेजेंट करके बता रहे हैं कि यूनानी किसी से कम नहीं है। और जो है ये हम मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि यूनानी कदीम तरीक़ा इलाज और साइंटिफिक इलाज है, और साइंटिफिक इलाज के साथ साथ इसमें रिजल्ट्स इंस्टेंट मिलते हैं। वही हम तजुर्बा करके बता रहे हैं बच्चों को कि इंस्टेंट कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, कि जूसे पतियों के अंदर आप दवा खाने के बाद भी फ़ौरन रिजल्ट नहीं मिलते, हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत जानना मतलब हमारे दर्शक बहुत जानना चाहते हैं जी, कि जो लाइलाज बीमारियाँ हैं, जैसे गुर्दे का फेल हो जाना, जी, शुगर मतलब कंटिन्यूसली होना, मतलब वो लाइलाज हो गई है कि अब वो जो जिसको हो गई है वो ताउम्र हो गई है, जी, और भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए क्या यूनानी मेडिसिन उसके लिए कुछ ऐसा वर्क कर रहा है या कुछ? यूनानी मेडिसिन के लिए क्रोनिक डिसीज में बहुत अच्छा इलाज है। अब जैसे कि पैरालिसिस के अंदर बहुत अच्छा हमको 70% इलाज, मतलब पेशेंट ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ में तो हमारे पास दवा कंट्रोल करने की बेहतरीन दवा है, कई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कई डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे नुस्खे को। जो पुराना नुस्खा है मेरा तकरीबन 7 अज्जा है उसके अंदर, उसको आप डाल के दवा बनाने के बाद उसको जो मरीज़ को 3 बार 3-3 ग्राम देंगे तो एकदम कंट्रोल में रहती है शुगर। और ये केमिकल दवा खाने से डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये तीनों किस्म के कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं वो दवा की वजह से। हमारे पास वो कम्प्लीटली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो दवा के असरात में जो है कोई किस्म का केमिकल नहीं है, पूरा हर्बल मेडिसिन है, पूरा नेचुरल मेडिसिन है और हमारी यूनानी अद्वियात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम कंट्रोल में रहता है। जैसा कि आपने बताया कि दूसरे किस्म के क्रोनिक, जैसे कि हम गुर्गे मतलब आर्थराइटिस का इलाज करते हैं, वो भी उसका भी जो है इलाज कहीं पर नहीं है। हम जो है कंट्रोल करने के बाद एक हद तक 70% पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। एज फैक्टर डिसीज रहने की वजह से 100% नहीं होता, लेकिन 70% तो उसमें सही हो जाता है। इसी तरह गुर्दे की बीमारी में हम जो है अगर पहले ही मालूम हो जाए तो उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अलबत्ता ये नहीं कि कम्प्लीटली दोनों गुर्दे फेल हो गए तो उसको फिर हम रिवर्सल नहीं कर सकते, लेकिन एक हद तक हम जो है उसको प्रोलॉन्ग करके उसकी लाइफ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये दवाइयाँ बहुत जो दुनिया के अंदर जो पति नहीं कर सकती वो हमारी यूनानी पति करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ थे विश्वविख्यात डॉक्टर उबैदुल्लाह बेग साहब, और इन्होंने बहुत ख़ास जानकारियाँ दी। हम इनसे आगे भी जानकारियाँ लेते रहेंगे। इसके अलावा मैं पहला आदमी हूँ जो यूएन से इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर पीस मुझे ओहदा दिया गया है। उस ओहदे पर मैं रहकर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि दूसरे ममालिक के अंदर जो मतलब
बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उन वहाँ हमको, मेरी कोशिश ये है कि लीगलाइज हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एंट्री मिल जाए। मतलब एक बार जो है हम BUMS करने के बाद 5.5 साल की डिग्री है, 5.5 साल की डिग्री करने के बाद हमको कहीं मौका नहीं मिल रहा है हमको प्रैक्टिस करने का। दूसरे जो है मतलब डिग्रियों को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, जैसे कि MBBS करने के बाद तो आप हर कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ जाकर जो है वहाँ के मेडिसिन को, लेकिन यूनानी को नहीं मिला है। तो मेरी ये कोशिश है और तमाम जो भी दूसरे लोग व्यूवर्स देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो मतलब इस फील्ड के हैं, जो आयुष के जो है मतलब जो है मिनिस्ट्री से हैं, उन लोगों को भी मेरी दरख्वास्त ये है कि वो भी जो है इसको प्रमोट करें और वहाँ भी जो है बायलैटरल रिलेशनशिप बराबर रख के उनको जो है इसको जो है अडाप्ट कर जो है वहाँ हमको ये परमिशन मतलब देने के लिए वहाँ पर इल्तिजा रिक्वेस्ट भेजें और वहाँ से रिप्लाई लेकर जो है आगे हमारे सिस्टम को बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।